नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ पेटीकोट कटिंग और स्टिचिंग, मैं दोनों बताऊंगी यहाँ पे। तो किस तरीके से हम पेटीकोट की कटिंग करते हैं और बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगी। पेटीकोट सिलने के लिए हमें फैब्रिक, हमने ये 2.5 मीटर लिया है क्योंकि ये हमारा हैवी साइज पेटीकोट बनेगा, इसीलिए 2.5 मीटर लिया है। अगर नॉर्मल साइज है 2 मीटर में हमारा पेटीकोट आराम से बन जाता है। पेटीकोट कटिंग के लिए सबसे पहले हम ऊपर किनारे से कपड़ा बराबर कर लेंगे। अब हमें ऊपर नेभा बनाने के लिए 5 इंच कपड़ा चाहिए। तो इस तरह हमने 5 इंच पे निशान लगाना है, इसको सीधा मिला लेंगे। इस तरह मैंने सीधा मिला लिया है। हमें नेफा 2 इंच तैयार चाहिए, तो इस तरह ये डबल में 4 हो जाएगा और 1 इंच हमारा आधा इंच नीचे सिलाई में जाता है, आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है, इसीलिए हमें 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन का लेना है। इसीलिए यहाँ पे 5 इंच के हम ऊपर बेल्ट निकालते हैं नेफा के लिए। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। नेफे की चौड़ाई देखेंगे, देखिए हमारी कमर के हिसाब से लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एक कम पड़ेगा, इसीलिए इतना ही बड़ा एक पीस और काट लेंगे हम। इसी तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसी के बराबर एक और काट लेंगे। इस तरह मैंने 2 काट लिए हैं, जितनी हमें जरूरत होगी उतना हम ले लेंगे। अब अपना नेफा हम कमर के हिसाब से लेते हैं, तो देखिए उसको किस हिसाब से लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे अपनी कमर 24 तैयार चाहिए, तो उसके लिए देखिए ये हमारा 20 इंची तैयार हो रहा है। तो इसमें हम जो अपने एक्स्ट्रा काटा हुआ है इससे हम इसमें जोड़ लगाएंगे। देखिए 24 हमें कमर तैयार चाहिए और हम इतना कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा इसमें जोड़ लगाएंगे। तो हम इसमें से देखिए 24 हमारी यहाँ पे तैयार है, तो इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि हमारे दोनों साइडों से यहाँ पे कपड़ा इस तरह से फोल्ड होगा, 1 इंच यहाँ चले जाएगा, 1 इंच इसमें चले जाएगा, 1 इंच हम यहाँ पे जब जोड़ लगाएंगे यहाँ चले जाएगा, इसीलिए हमने ये 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो इसको अब कट कर लेते हैं। अपनी बेल्ट हमने काट ली है, तो अब हम कली निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 कली वाला पेटीकोट बना रही हूँ, तो इसीलिए देखिए इसको हमने पहले इस तरह लंबाई में डबल कर लिया है। ये देखिए इसकी ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है जिसे हम अर्ज बोलते हैं। तो मैंने ये लंबाई में डबल कर रखा है, यहाँ इसका खुला हिस्सा है और यहाँ पे इसका बंद हिस्सा है। अब यहाँ पर भी हम ऊपर ऐसे किनारे से कपड़ा निकाल लेंगे जो भी छोटा बड़ा होता है। तो देखिए इस तरह हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरह। तो हम पहले ऊपर 2 इंच निशान छोड़ेंगे जो हमने बेल्ट कट कर रखी है इसके लिए, और इस तरह यहाँ पे हमारी तैयार लंबाई 39 है। तो देखिए आधा इंच मार्जिन का ले लेंगे, 39.5 इंच आएगा और 2 इंच हम इसमें नीचे फोल्डिंग के लिए ले लेंगे। 41.5 पे निशान लगा लिए है मैंने।
तो इस तरह से इसको नीचे बराबर कर लेंगे। उस कोने में पे हम इतना ही निशान लगा लेंगे। तो देखिए अब इस तरह से यहाँ पर भी हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। अब इस साइड भी हम लंबाई का निशान लगा लेंगे, 2 इंच ऊपर वहां भी छोड़ा है, और यहाँ पर भी हम एक निशान 39.5 पे लगाएंगे, देखिए 39.5 पे, और 2 इंच यहाँ पर भी मार्जिन ले लेंगे। अब इन निशानों को ऐसे आपस में मिला देंगे। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे अपना कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारी तैयार 24 है, तो इस तरीके से 12 पे लगाएंगे एक निशान, और 3 इंच यहाँ पे हम लूजिंग देंगे, जिससे मैं यहाँ पे प्लेटें डालूंगी। यहाँ पे नीचे मैं चुन्नट डालूंगी इसमें। तो इस तरीके से मैंने ये 15 इंच पे निशान लगा लिया है। अब 15 इंच मैंने इस कोने में लगाया है, 15 इंच इसके उस तरफ लगाएंगे हम। देखिए 15 इंच मैंने उस कोने में लगाया है, तो 15 इंच मैं इस कोने में लगाऊंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा लूंगी। देखिए यहाँ पे 15 इंच निशान लगा के अब इंची टेप से इसको इस तरह से तिरछा मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। इस तरह इसकी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे ये कोना तिरछा कटने की वजह से ये बढ़ जाता है, तो हम ये सीधे वाला हिस्सा इस तरह रखेंगे। तो देखिए ये सीधे वाला हिस्सा मैंने इस तरह बिछा लिया है, तो यहाँ पर भी देखिए हाँ इतना हमारा कपड़ा यहाँ पे नीचे बढ़ रहा है घेरे में, तो इसको हम काट के बराबर कर लेंगे। देखिए इतना कपड़ा हमारा ये निकल चुका है, और ऊपर कमर में भी हमारा इतना हिस्सा, देखिए यहाँ भी हमारा कपड़ा जो बड़ा हुआ है हम इसको भी काट के निकाल देंगे। इसी तरीके से मैं इसकी भी छटाई कर लूंगी, जो भी यहाँ बड़ा हुआ भाग है इसको निकाल देंगे हम। तो इस तरह से हमारी पेटीकोट की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो इसको आप कैसे सिलते हैं ये बताऊंगी, सिलाई बताती हूँ आपको कि कैसे इसको सिला जाता है। तो देखिए दोस्तों पहले हम पेटीकोट सिलने के लिए अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी बेल्ट में देखिए कम पड़ रहा था, जोड़ काटा था, तो इसको पहले सिल लेंगे ऐसे। यहाँ पे हम 1/2 इंच की दूरी में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम किनारी से इसको देखिए, ये हमारा अब उल्टा हिस्सा हो गया है, तो अब दोनों किनारियों को इस तरह से हम देखिए एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार फिर फोल्ड करके इसकी किनारी फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह मैं दूसरी किनारी भी फोल्ड कर लूंगी। बेल्ट मैंने ऐसे फोल्ड करके सिल ली है। अब हम अपनी कलियां जोड़ेंगे। कलियां जोड़ने के लिए हमें यहाँ पे इस बातों का ध्यान रखना है कि ये हमारा तिरछा हिस्सा है और ये हमारा सीधा हिस्सा है, तो यहाँ पे एक सीधा जुड़ता है, एक तिरछा जुड़ता है। तो यहाँ से मैं देखिए एक हिस्सा उठा लूंगी। अब ये हमारा सीधा हिस्सा है, तो इस पे मैं तिरछा वाला हिस्सा रखूंगी।
देखिए ये हमारा तिरछा वाला हिस्सा है, तो इसको मैं ऐसे देखिए एक सीधा एक तिरछा, ऐसे हमारी चारों कलियां ऐसे ही जुड़ती हैं, सीधे पे सीधा तिरछे पे तिरछा नहीं जुड़ता है, एक सीधा एक तिरछा रख के हम चारों कलियों पे सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से। अब ये हमारा तिरछा हिस्सा आ गया है नीचे, तो इसके ऊपर अब ये हम सीधा हिस्सा बिछाएंगे। से सीधा जोड़ते जोड़ते अब से अब यहाँ पे हमारा फिर से तिरछा हिस्सा आ गया है, तो इसके ऊपर अब देखिए सीधी वाली किनारी रखेंगे। देखिए ये सीधी किनारी रख दी है, अब इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से देखिए हमने तीनों कलियां जोड़ ली हैं इस तरीके से। देखिए एक कली हो गई, एक कली यहाँ पे जोड़ ली, एक ही जोड़ ली। अब चौथे को हम देखिए इस तरीके से पहले डबल कर लेंगे, इस तरह डबल करके इसमें नीचे से हम सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे यहां तक। यहाँ हम कम से कम 3 इंच ऊपर छोड़ देंगे, इतना छोड़ के यहाँ से नीचे हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ हमें इसको पूरा नहीं सिलना है, 3 इंच लगभग छोड़ के यहाँ से हम इसको फिर घुमा के नीचे को सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें इतना नेफा बनाने के लिए छोड़ना है। इस तरह से मेरी सारी कलियां जुड़ चुकी हैं। अब यहाँ पे हम देखिए इस वाले हिस्से में इन किनारी जितना हमने कपड़ा छोड़ा हुआ था इनको हम इस तरीके से पलट के इसमें सिलाई लगा लेंगे इस किनारी पे। किनारी मैंने ऐसे फोल्ड कर ली है। अब हमें अपनी कमर यहाँ पे 24 तैयार चाहिए, तो इसको नापेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये लगभग 28 इंच आ रहा है, तो इसको हमें इसमें प्लेट डालनी है। मैंने कटिंग में बताया था कि यहाँ पे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर में, तो देखिए यहाँ पे हमारा कमर से 4 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे हम आधा आधे इंच की प्लेट दबाएंगे इस तरीके से। तो एक पल्ले में हमारे यहाँ पे 1 इंच दबेगा, 1 इंच हमारा यहाँ दब जाएगा, तो 1-1 इंच इन पल्लों में दब जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो 4 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा। तरह से चारों पल्लू को बराबर पकड़ेंगे और फिर इसको एक बार फिर ऐसे डबल कर लेंगे। इस तरह डबल करके यहाँ पे मैं कट लगा लूंगी।
जहाँ जहाँ पे मैंने कट लगाया है देखिए इस तरीके से मैं आधे इंच की प्लेट डालूंगी। यह हमारा हैवी साइज है इसीलिए मैं इसमें प्लेटें डाल रही हूँ। आपका साइज नॉर्मल है तो प्लेट इसमें न डालें, हैवी साइज हो प्लेट डालने से आराम मिलता है। देखिए प्लेटें मैंने डाल ली हैं, अब इसमें अपनी बेल्ट जोड़ेंगे। इस तरह से अपना पेटीकोट मैंने उल्टा रखा है, उल्टा रखेंगे। देखिए यह मेरा उल्टा हिस्सा है, पेटीकोट भी उल्टा है और बेल्ट भी हम इस तरह से उल्टे रखेंगे। किनारे से जोड़ते हुए यहाँ हम आधे इंच की दूरी में पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरे घेरे में सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए इस तरह से सीधा करके अब आधा इंच यहाँ पे देखिए आधा इंच हम ऐसे ऊपर से फोल्ड करके जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम इसको पलट के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे इस पे। इस तरह पलट के इस किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने अपना नेपर 2 इंच छोड़ा था इसीलिए ये 2 ही इंच आना चाहिए। इसमें हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। इस तरह मैंने एक सिलाई लगा ली है, एक सिलाई इसमें 2 पॉइंट के दूरी में और लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह। देखिए इस तरह से मैंने इसमें डबल सिलाई लगा ली है। इस तरह हमारी बेल्ट लग के तैयार हो चुकी है। देखिए यहाँ से मैंने देखिए नेपा डालने के लिए इतना हिस्सा यहाँ पे पेटीकोट में खुला रखा जाता है इस तरह से, और यहाँ से हमारा नाड़ा डालने वाला बनता है, दोनों साइडों से ये खुला रहता है। तो अब इसका नीचे घेरा फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। 2 इंच के हिसाब से छोड़ा था हमने कपड़ा, तो इस तरीके से 1 इंच पहले फोल्ड कर लेंगे, 1 इंच इसको फिर फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये कम से कम इतना चौड़ा होना चाहिए और इसके किनारे किनारे पे हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस किनारे किनारे पे इस तरह सिलाई लगा लेंगे इसमें। देखिए इसको हम उल्टी तरफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ये हमारा उल्टा हिस्सा है तो उल्टी तरफ ही इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसका घेरा भी फोल्ड कर लिया है। अब इसको इस तरह सीधा कर लेंगे, एक सिलाई इसके नीचे किनारे पे भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे
इस किनारी किनारी पे भी हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने नीचे भी सिलाई लगा ली है। अब इस पे हम बीच में देखिए इस तरीके से एक एक लहर डालेंगे। इसी तरीके से मैं पूरे घेरे में इस तरीके से लहर बनाते हुए ले आऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें लहर बना ली है। तो मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया है। तो इसी तरह हमारी पेटीकोट की सिलाई पूरी हो चुकी है। तो आपको मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये पूरा सिलने के बाद किस तरीके का तैयार हुआ है सिल के। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा पेटीकोट सिल के तैयार हुआ है।